टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम सीखने से पहले आपको एक पॉइंट समझना है। आपके पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है या स्प्रिंग लगा लो, स्प्रिंग या स्ट्रिंग है जो इलास्टिक है, टूटेगा नहीं। तो अगर सपोज करो कोई भी स्ट्रिंग या स्प्रिंग है और आप इसे खींचते हैं, बाय अ फोर्स ऑफ एफ खींचते हैं, तो आप फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या लगेगी, माइनस के टाइम्स एक्स, बात खत्म। के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, डन, क्लियर है। मैं अब क्या चाह रहा हूं, मैं इसको खींचना नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास ये एक स्ट्रिंग इलास्टिक वायर है और इसके नीचे मैं एक डिस्क या कोई रॉड लगाना चाहता हूं, चिपका दिया मैंने ऐसे। अब सोचो ऊपर टांग दिया मैंने, इसको घुमाया तो जब मैंने इसे, इस धागे को देखना प्लीज, जब मैंने इसको घुमाया नीचे डिस्क भी घूमी, घुमा के छोड़ा, इलास्टिक है ये, ऐसे मैंने मरोड़ दिया, छोड़ा, इलास्टिक है ये, वापस आएगा तो ये बॉडी भी ऐसे आएगी। वो जैसी ऐसे आएगी इसके पास इनर्शिया होगा मोशन का, रुकेगी नहीं, थोड़ा सा आगे क्रॉस कर जाएगी, फिर जैसी आगे क्रॉस करेगी ऐसे मुड़ जाएगी वायर, फिर ये वापस मुड़ेगी ताकि नॉर्मल हो जाए, तो ये वायर ऐसी होती होती वापस ऐसी। तो देखो एंगुलर एसएचएम में डिस्क, एंगुलर एसएचएम में प्रूफ करो, आइडिया समझ में आ रहा है, हो क्या रहे। तो इसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, वायर के ट्विस्ट होने में, घूमने में क्या ढूंढेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जो काम स्प्रिंग लीनियर में करता था, लीनियर में रिस्टोरिंग फोर्स होती है किसी भी स्प्रिंग में, और घूमने में क्या होती है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, माइनस के इंटू एक्स, नहीं पहले एक्स था, इसमें ट्विस्टिंग का एंगल होता है, ट्विस्ट एंगल क्या, जैसे थीटा, आपने डिस्क को यहां से यहां घुमा दिया तो एंगल कवर नीचे क्या है, थीटा, तो यहां पर थीटा हो जाता है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, थीटा। अगर आप फोर्स वर्ड यूज करते हैं, इस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और अगर आप टॉर्क यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। बात एक ही है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट का मतलब टॉर्क यूज हो रहा है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का मतलब फोर्स यूज हो रही है, ये मतलब है दोनों के। तो क्लियर है यहां तक। तो अब सपोज करो आपने एक डिस्क लगा दी और ट्विस्ट किया थीटा एंगल से, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, माइनस के थीटा, और के का मतलब टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है जो वायर की इलास्टिक मटेरियल पे डिपेंड करता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, आई की वैल्यू आ गई, कंपेयर किया एंगुलर एसएचएम से, ओमेगा के साथ कंपैरिजन हुआ तो ओमेगा आ गया, ओमेगा 2 पाई बाय टी, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। तो लिख लो हेडिंग फॉर्मूला बुकलेट में, टॉर्शनल पेंडुलम, फोटो बना लो टॉर्शनल पेंडुलम की, याद रहेगा ऐसा दिखता है, और साथ में एंड में टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो, टाइम पीरियड टी पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाय के, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई आई बाय के, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर डिस्क है तो डिस्क का, रॉड है तो रॉड का, और के का मतलब है टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। बस ये फॉर्मूला लिख लें, एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा, कंपटीशन में कोई नीचे रॉड टांग सकता है, डिस्क टांग सकता है, रिंग टांग सकता है रिंग, ठीक है। रॉड नॉर्मली रॉड आती है, नॉर्मली रॉड के साथ, रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 12 फुट करते हैं डायमीटर, ये रिंग है।